Hi guys, you're watching Lucky Tech Guru, and today we are going to do the unboxing of this Redmi K20 Pro. और आज हम लोग इस फोन को देखेंगे जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आता है फ्लैगशिप क्वालकॉम का A55 के साथ में सबसे अच्छा प्रोसेसर है अभी तक का और ये फोन है इसके अंदर देखते हैं हम लोग बॉक्स में क्या क्या कंटेंट आते हैं ऑलरेडी मैंने निकाल के देख लिया है इसलिए ज़्यादा टाइम ना जाए इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी ओपन करके रखा है। ये आता है 18 वॉट का फास्ट चार्जर और USB टाइप सी केबल आती है इसमें जो कि आप देख सकते हैं। ये फ़ोन नहीं आता है बॉक्स में, ये फ़ोन आता है, इसको अभी साइड रखते हैं और देखते हैं। ये बॉक्स जो है इसके अंदर आता है ये केस जो कि एक सॉफ्ट फील वाला हार्ड केस है। तो ये एक्चुअली इट्स हार्ड बट इट हैज़ गॉट सम फेदर काइंड ऑफ फीलिंग, सो इट इज़ ऑल्सो लिटिल बिट स्लिपरी, गिव्स अ लिटिल ग्रिप, बट इसके बाद बावजूद भी बहुत थोड़ा स्लिपरी है, हाथ से फिसल सकता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक दूसरा अच्छा ग्रिप वाला केस जरूर लें इस फ़ोन के साथ। आइए फ़ोन को देखते हैं और फ़ोन में सीधे स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से फिजिकल ओवरव्यू देखते हैं। इधर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं दिया गया है। टॉप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है ये पॉपअप कैमरा, मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ कैसे ये ऊपर आता है, बहुत ही स्टाइलिश है आप देख सकते हैं। और ये पॉपअप कैमरा है और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये 3.5 mm जैक दिया गया है और इसके साथ में यहाँ पर है सेकेंडरी माइक्रो फोन विच इज़ फॉर नॉइज़ कैंसिलेशन। यहाँ पर कर्वी एज है और उसके बाद आप अगर यहाँ देखें तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये है वॉल्यूम रॉकर और उसके बाद ये आता है पावर ऑन ऑफ बटन, इसमें रेड टिंट दे रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे बॉटम फायरिंग स्पीकर है जो कि एडिक्वेटली लाउड है और यहाँ पर ये USB टाइप सी केबल आती है, सॉरी पोर्ट आता है और ये माइक्रोफोन आता है। और इसके अलावा यहाँ पर है ये आपका सिम स्लॉट। इस सिम स्लॉट में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक्सपेंडेबल ऑप्शन नहीं दिया गया है, सिंपली इसमें दो सिम, आप दो नैनो सिम लगा सकते हैं, 12 4G सपोर्ट करता है ये। सो ये है आपका फिजिकल ओवरव्यू फ्रॉम साइड। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज देयर इन द बैक। सो बैक में आपको ये मेरे पास जो कलर है वो, ये वेरियंट जो है वो आई थिंक सबसे डिसेंट और सबसे क्लासी है मेरे ओपिनियन में। और ये जो है ब्लैक कलर है, इसमें कुछ लाइनिंग सी ऐसे कार्बन फाइबर जैसी लाइनिंग दी गई है, हालांकि ये पूरा ग्लास है। इसमें पीछे की तरफ दिया गया है गोरिल्ला ग्लास 5 और आगे भी गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। यहाँ पर ये LED लाइट है और ये है आपका एक सेंसर, दो सेंसर और तीन कैमरा इसमें दिए गए हैं। एक जो है वाइड एंगल कैमरा है जो कि आपको 13 MP का है 2.0 अपर्चर के साथ में, दूसरा आपका 8 MP का 2x लेंस है और ये जो मेन लेंस है जिसके ऊपर आप रेड कलर की रिंग देख सकते हैं, ये ऐसे फ्लिकर लाइट नहीं है बल्कि ये एक इसको मूव करने पे जो लाइट इस पे पड़ रही है उसके हिसाब से वो कलर थोड़ा सा चेंज करता है, एटलीस्ट मुझे कैमरे में दिख रहा है, रियल लाइफ में वैसे नहीं दिखता है, ये पूरा रेड ही दिखता है हमेशा। तो ये जो है आपका IMX586 सेंसर है जो कि सबसे अच्छा सेंसर है अभी मोस्टली फोन्स में ये यूज किया गया है। तो ये तो हो गया फिजिकल ओवरव्यू, अब आते हैं फ्रंट साइड में और इसमें देखिए आप ये एमोलेड स्क्रीन है। एमोलेड स्क्रीन का सबसे अच्छा फायदा होता है कि इसमें डीप ब्लैक्स आप देख सकते हैं, जो ब्लैक्स हैं बहुत डीप हैं। और इसमें अगर बात करें हम लोग तो ये जो बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है, मतलब इसका बॉडी जितना बड़ा है उसके कंपैरिजन में स्क्रीन कितना बड़ा है, स्क्रीन ऑलमोस्ट 91% है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसके साथ में ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आता है जो कि बहुत ही फास्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ टच किया। और इसमें क्योंकि ये एमोलेड स्क्रीन है तो इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाकर के, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आप वेट करते रहिए मेरे वीडियो का, आई थिंक इन कपल ऑफ डेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो एनिमेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखें ये वाला नहीं, जब मैं टच करता हूं तो उसके साइड में कुछ ऐसे वॉबलिंग होती है, वो जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाकर के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें और क्या आता है। तो ये मेरे पास जो वेरियंट है वो 6GB और 128GB का वेरिएंट है।
सिक्स 128 GB वेरिएंट में आपको ऑलमोस्ट 110 GB का स्पेस मिल जाता है। जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात करें, इसमें आपको 9 पाई मिलता है, MIUI 10 मिलता है यहाँ पर, जो कि स्किन है। लेकिन MIUI स्किन तो है, हालांकि इसमें जो लॉन्चर दिया गया है वो पोको लॉन्चर है। तो ये बड़ी अचरज वाली बात है कि इसमें जो स्किन है वो, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की स्किन है वो MIUI है, और जो लॉन्चर दिया गया है वो पोको लॉन्चर दिया गया है। पोको लॉन्चर का फायदा क्या होता है MIUI के इसमें, कि एटलीस्ट आपको ये ऐप ट्रे मिल जाता है, और ऐप ट्रे ही नहीं मिलता है इसमें, बल्कि ये भी ऑप्शंस आ जाते हैं जिससे कि ये ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर देता है एप्लीकेशंस को जो भी आपके फोन में है। तो जो वो बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आपको ऐप ड्रॉअर पसंद है तो प्रॉब्ली ये अच्छा लॉन्चर है। अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी शाओमी के यूजर हैं तो मुझे लगता है आपको ठीक लगेगा। अगर आप कोई और लॉन्चर यूज करते रहे हैं तो शायद ये थोड़ा आपको बेटर लगेगा, और थोड़ा सा ये नॉर्मल एंड्रॉयड स्टॉक एंड्रॉयड का भी फील दे देता है, क्योंकि इसमें ऑल वाले सेक्शन में ऐसे ही ऐप आते हैं जैसे कि नॉर्मली आपको मिलते हैं एंड्रॉयड में। इसमें आपको दो तीन चीज़ें और मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, एक तो इसकी बैटरी और इसका प्रोसेसर के बारे में। सो जो इसका प्रोसेसर है वो आई थिंक सबसे अच्छा प्रोसेसर है अभी तक। अभी लॉन्च हो गया है 855 प्लस, पर उस पर कोई भी फोन नहीं आया, तो अभी तक जितने फोन आए हैं उनमें सबसे पावरफुल प्रोसेसर है ये, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। आप इसको लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी इसमें 4000 mAh की दी गई है, 4000 mAh की, जो कि सफिशियंट होगी पूरे एक दिन का बैकअप आपको देने के लिए इन हैवी यूज। अगर आप लो टू नॉर्मल यूज करते हैं तो मे बी 1.5 दिन का भी आपको, या 1.25 दिन का मैं कहूंगा कि बैकअप मिल सकता है। तो और इसके साथ में जो चार्जिंग स्पीड है वो 18 वॉट की दी गई है, 18 वॉट की। यहाँ पर जो बॉक्स में आपको ये चार्जर मिलता है वो 18 वॉट का है, बट इसमें 27 वॉट की चार्जिंग भी हो सकती है। उसके लिए आपको 999 रुपये पे करने पड़ेंगे और अलग से एक चार्जर लेना पड़ेगा। सो ये क्वालकॉम का 4.0 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है, जो कि इस प्राइस में आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं है। तो इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, 31,990 रुपये का ये आता है, जो कि 8 GB और 256 GB 8256 का वेरिएंट जो है वो 31,000 के आसपास आता है। और जो सो ही इज द ऑप्शन टू इनेबल द डार्क मोड, इफ यू डिसेबल दिस दिस बिकम्स लाइक नॉर्मल दैट यू सी, बट दिस दिस विल सेव यू बैटरी एज वेल एज इट इज गोइंग टू सेव यू नो योर आईज एज वेल। एंड देर इज अनदर फीचर हियर जस्ट टू यू नो सेव योर आईज, दिस इज एंटी फ्लिकर मोड, वेन द फ्लिकरिंग बिकम्स बिट लॉन्गर सो इट डज नॉट हर्ट योर आईज दैट मच। सो दीज आर द टू गुड थिंग्स दैट यू कैन यूज, दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रिक, बट या आई एम जस्ट डिसेबलिंग राइट नाउ सो दैट आई कैन शो यू एवरी थिंग क्लियरली। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। और जो ये मेरे पास वेरिएंट है वो उसकी कीमत 28,000 रुपये है। कल से ये सेल पे जा रहे हैं, और इसकी कीमत जब अगर आप ICICI कार्ड से लेते हैं तो 1,000 रुपये का आपको ऑफ मिल जाता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें अगर हम लोग कैमरे की बात करें तो कैमरे में सारे मोड मिल जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्लो मोशन मिल जाता है, स्लो मोशन आपको 960 FPS पे मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद आपको शॉर्ट वीडियो आप ले सकते हैं, आप इसमें फोटो मोड में जाकर, वीडियो मोड में जाकर आप 2x से ले सकते हैं वीडियो, वो अल्ट्रा वाइड से भी ले सकते हैं, और आप नॉर्मल से भी ले सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। फोटो में भी आपको ये तीनों सपोर्ट मिल जाते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप अल्ट्रा वाइड, नॉर्मल एंड 2x जूम का यूज कर सकते हैं। इसमें एक अलग से मोड दिया गया है 48 MP का, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो ये फोटो लेता है वो 48 MP की नहीं होती है, वो 12 MP यानी 12 MP की होती है। तो अगर आपको ये लेनी है तो इसमें क्या होता है कि ये स्पेस काफी ज्यादा लेता है, तो इसलिए ये अलग से मोड दिया गया है। अगर आपको कोई ऐसी फोटो लेनी है जो कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए, या आपको प्रिंट लेना है उसका और यूज करना है उसको, तो आप इससे ले सकते हैं। अदरवाइज आप बाय डिफॉल्ट 12 MP मोड में ले सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है इसमें, पोर्ट्रेट मोड में भी काफी अच्छी फोटो आती हैं। अगर मैं इसके साथ साथ में कैमरे के साथ में आपको जो वीडियो है उसमें
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है। 4K 30 FPS में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, और ऑफ कोर्स उसके नीचे फुल HD वगैरह में भी, लेकिन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। ये एक इसका फ्लॉ है, बट उसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर आप स्टिल फोटोग्राफी ज़्यादा करते हैं, अगर आप रनिंग करते हैं उसमें कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शायद हीरो गोप्रो या कुछ इस तरह के डिवाइसेस पे जाना चाहिए। ओवरऑल बहुत ही सुंदर फ़ोन है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है, और मैं ये कहूँगा कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। अभी तक के जितने फ़ोन मैंने टेस्ट किए हैं इस साल, आई थिंक जितने भी फ्लैगशिप आए हैं सभी टेस्ट किए हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा वैल्यू प्रोपोर्शन लगता है। स्पेशली ये 28 हज़ार वाला वर्जन जो कि 27 हज़ार में मिल रहे हैं आज की डेट में, और अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। रन दी एंटीटू बेंच मार्क ऑन दिस एंड लेट मी शो यू द स्कोर। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड ऑन माई माई पेज ऑन फेसबुक एज वेल एज ट्विटर। So here's the score, 359, which is pretty good, pretty not I would not say just decent. It is one of the top scores that I've seen in recent times. All the phones, if you look at, I think OnePlus 7 Pro is topping it up, and Acer 6Z has I'd got Acer 6Z 4,11,000 in the turbo mode. So in the normal mode, I think it had 3.3 lakhs around. So in terms of performance, in terms of the looks, in terms of the camera, in terms of the build quality, and even the sound is adequate. I can make you listen something on here. So, इसके साथ में मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इसके दो अलग और कलर वेरिएंट आते हैं, रेड कलर में और ब्लू कलर में आते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी सर्कल सर्कल से होते हैं और वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो है किसी भी एज ग्रुप के साथ पे जा सकता है, ये बहुत ही क्लासी प्रोडक्ट लगता है। आई थिंक दिस इज़ वॉट मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख के पूछें। अभी तक तो मुझे जो एक दिन का एक्सपीरियंस रहा है उसमें काफ़ी अच्छा ये लगा ये फ़ोन, और मैं जरूर रिकमेंड करूंगा इस समय पर। बट हाँ, आप स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर वीडियोज़ व्हेन आई विल बी टेलिंग यू वेदर दिस इज़ वर्थ और नॉट। सो इफ़ यू कैन वेट, यू कैन वेट कपल ऑफ डेज। आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ दी डिटेल रिव्यू ऑफ दिस फोन। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।